हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम 17, 18, 19 तारीख में होने वाला है, उससे रिलेटेड हमारी एक श्रृंखला चल रही है, जिसमें कि हम कुछ मल्टीपल क्वेश्चंस को जो पिछले 10 वर्ष में आ चुके हैं उनको रखा है हमने। तो आज का विषय है वर्ल्ड ज्योग्राफी, यानी कि विश्व का भूगोल। तो इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको आप देखिएगा। प्लीज़ हमारे चैनल कंपटीशन एग्ज़ाम को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि अधिक से अधिक छात्रों को इसका फ़ायदा हो सके। प्लीज़ प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब अधिक से अधिक करें, ताकि आपके कांटेक्ट में आने वाले जितने भी लोग हैं उनको ये सारे क्वेश्चन देखने को मिलें। ये अंतिम समय है मित्रों। पहला क्वेश्चन है, सूर्य का रासायनिक मिश्रण में क्या क्या शामिल है, कौन कौन सी गैसें शामिल हैं? तो हाइड्रोजन 75%, हीलियम 32.8%, ऑर्गन जो कि एक नोबेल गैस है वो भी इसमें शामिल होती है। तो सूर्य के रासायनिक संघटन में हाइड्रोजन हीलियम प्रमुख रूप है। सूर्य में नाभिकीय संलयन प्रक्रिया या न्यूक्लियर फिजन के माध्यम से सूर्य जो है वो एनर्जी के रूप में चेंज होता रहता है। सूर्य के बाहरी सतह को क्या कहते हैं? सूर्य की बाहरी सतह को प्रकाश मंडल कहते हैं और अंदर की सतह को कोरोना के नाम से भी जानते हैं। दो स्थानों के बीच की दूरी क्या है? दो स्थानों बीच की दूरी स्थानीय समय जो है वह उसमें क्या अंतर है, ये पूछा गया क्वेश्चन। तो इसे देशांतर कहते हैं, और 1 डिग्री देशांतर बराबर 4 मिनट के होता है। इस तरह का कुछ एक न्यूमेरिकल टाइप भी क्वेश्चन आ सकता है इसमें, तो इसे ध्यान रखिएगा, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट का अंतर। अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर है, जुपिटर जो कि सबसे बड़ा ग्रह है। सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह बुध है, और यह सूर्य की परिक्रमा मात्र 88 दिन में। पूछा जाता है कि सूर्य की सबसे कम दिनों में परिक्रमा कौन सा ग्रह करता है? तो सूर्य की सबसे कम दिनों में बुध जो है 88 दिनों में परिक्रमा करता है। वह कौन सा ग्रह है जिसके कोई उपग्रह नहीं है? तो बुध और शुक्र एकमात्र उपग्रह हैं जिनके कोई भी उपग्रह नहीं है। पृथ्वी पर सबसे नज़दीक ग्रह कौन से हैं? सूर्य और मंगल, शुक्र और मंगल पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह हैं। ये पृथ्वी की एक तरह के जुड़वा बहनें भी कहा जाता है। शुक्र भोर का तारा या सांझ का तारा भी कहा जाता है। मंगल जो है रक्त दानव के नाम से भी जाना जाता है। वायुमंडल के स्तरों को बताइए। वायुमंडल में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के स्तर होते हैं, तो उसमें सबसे पहले क्षोभ मंडल, जैसे ट्रोपोस्फेयर कहते हैं, समताप मंडल, मध्य मंडल, मीजोस्फेयर, टेम्परेचर मंडल या ताप मंडल, आयन मंडल, आयनोस्फीयर, एक्सोस्फीयर, वायुमंडल के नाम से जानते हैं। जो आयन मंडल है वो अल्ट्रावायलेट रेड्स से हमारी रक्षा करता है। ग्रीनविच किस देश में है? इंग्लैंड में ग्रीनविच शहर, एक ग्रीनविच पड़ता है, और हमारे जो समय काल है उससे 5.5 GMT जो है पीछे है। दिन रात कब बराबर होते हैं? 21 मार्च और 23 सितंबर के दिन रात बराबर होते हैं। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन कब होता है? दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन 22 दिसंबर को होता है। आकाश का रंग रात्रि के समय लाल क्यों दिखाई देता है? तो सूर्य जब छिपता है तो लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है, इसीलिए सूर्य का रंग आकाश का रंग लाल दिखाई देता है। इसी पूछा जाता है, पृथ्वी का रंग नीला क्यों है? क्योंकि पृथ्वी के 70% भाग पर पानी पानी है, तो वहाँ नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है, इसीलिए पृथ्वी का रंग भी नीला दिखाई देता है। इन क्वेश्चनों को ध्यान रखिएगा छात्रों। समुद्र पृथ्वी की सतह का कितने प्रतिशत भाग घेरे हुए है? तो 70% भाग पर समुद्र है पृथ्वी के, मात्र 30% जो भाग है वही वहीं तक भूमि है, स्थल भूमि जैसे कहा जाए। पृथ्वी किस दिशा में मूव करती है या गति करती है? पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की दिशा में गति करती है, और इसी तरह से गति करते करते कभी कभी चंद्रमा बीच में आ जाता है, तो उसे सूर्य ग्रहण भी कहा जाता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच में अगर चंद्रमा आ जाए तो उसे सूर्य ग्रहण के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी क्या कहलाती है? पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी अब सौर कहलाती है। 4 जुलाई को सबसे ज़्यादा दूरी होती है। पृथ्वी की कोर में कौन सा तत्व विद्यमान है? पृथ्वी की कोर में निकल और लोहा या नाइफ के नाम से इसे जानते हैं विद्यमान है। पृथ्वी के भूपृष्ठ पर किस नाम से पुकारते हैं? पृथ्वी के भूपृष्ठ को सियाल या सिल्का प्लस एल्युमिनियम के नाम से भी जानते हैं। 49वीं और 38वीं समांतर रेखा किन दो देशों के बीच है? यूएसए कनाडा 49वीं समांतर रेखा है, जबकि 38वीं नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच है। सबसे छोटा और सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा और जबकि एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है। ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में? ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ काफ़ी प्रसिद्ध रीफ है जो कि ऑस्ट्रेलिया में है।
घाना का पुराना नाम क्या है? घाना साउथ अफ्रीका का एक ऐतिहासिक शहर है, ऐतिहासिक देश है सॉरी, और ये गोल्ड कोस्ट इसका पुराना नाम था, अब घाना कर दिया है। किस देश का क्षेत्रफल सबसे कम और सबसे ज़्यादा पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में? सबसे क्षेत्रफल सबसे कम वेटिकन सिटी, और सबसे अधिक रूस में है। किस देश को उगते हुए सूर्य के रूप में जाना जाता है? तो जापान, जहाँ सबसे पहले सूर्य दिखाई देता है उसे उगते हुए सूर्य के रूप में जाना जाता है। मांजुली विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, जो नदी द्वीप है वो कहाँ पर है? तो असम ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ मांजुली सबसे बड़ा नदी द्वीप है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कहाँ है? नेपाल, 8848, जिसे सागर माथा नेपाल में कहते हैं और वर्ल्ड में माउंट एवरेस्ट के नाम से भी जानते हैं। आल्पस, रॉकी, एंडीज या हिमालय किस तरह के पर्वत हैं? तो वलित पर्वत के ये सभी उदाहरण हैं। सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कोटोपैक्सी इक्वाडोर में स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कहाँ पर स्थित है? तो पामीर का पठार, जो कि मध्य एशिया में है, वो सबसे ऊंचा पठार है। कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है? एंडीज पर्वतमाला, जो कि दक्षिण अमेरिका में पड़ती है, वह सबसे बड़ी श्रृंखला है। सबसे छोटा और सबसे बड़ा महासागर बताइए। तो आर्कटिक महासागर सबसे छोटा और प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। सैरगैसो स्थित है उत्तरी अटलांटिक महासागर में। सैरगैसो शैवालों से बनी हुई एक छोटा सा भाग है, जिसे सैरगैसो के नाम से भी जानते हैं। तो वह उत्तरी अटलांटिक महासागर में है, जो कि उत्तरी अटलांटिक महासागर, जो कि यूरोप और अमेरिका के बीच की एक कड़ी है। मृत सागर कहाँ पर स्थित है? इजराइल और जॉर्डन की सीमा पर मृत सागर, सबसे गहरा सागर भी कहते हैं इसे, तो ये स्थित है मृत सागर। सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील साइबेरिया में स्थित है, सबसे गहरी झील है। सबसे लंबी नदी और सबसे बड़ी झील कौन कौन सी झील ये कौन सी हैं? तो अमेजन नदी सबसे चौड़ी या सबसे बड़ी झील भी कहा जाता है, और सबसे लंबी नदी नील नदी है, जो कि मिस्र से निकलती है। दुनिया के सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? अगर आपसे पूछा है भारत में तो वुलर झील, जबकि अगर दुनिया में पूछा है तो सुपीरियर झील इसका प्रमुख उदाहरण है। मेरियाना खाई कहाँ पाई जाती है? मेरियाना गर्त या खाई या ट्रेंच प्रशांत महासागर में पाई जाती है। ये सबसे निचला हिस्सा है पृथ्वी का। बाल्टिक सागर को उत्तरी नहर से मिलाने वाली नहर को क्या कहते हैं? कील नहर इसका प्रमुख उदाहरण है। कील नहर कहते हैं बाल्टिक सागर और उत्तरी नहर को मिलाने वाली जो नहर है। पनामा नहर किसको जोड़ती है? अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से पनामा नहर द्वारा जोड़ा गया है। लाल सागर को भूमध्य सागर से कौन सी नहर जोड़ती है? तो स्वेज नहर लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। यूरोप और अफ्रीका को एशिया से जोड़ने भी स्वेज नहर का बहुत बड़ा योगदान है। पेरिस किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? सीन नदी के किनारे पेरिस बसा हुआ है। न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे? हडसन नदी के किनारे न्यूयॉर्क शहर बसा हुआ है। यहाँ WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और काफ़ी कार्यालय हैं, तो इसे आप ध्यान से देखिएगा कि न्यूयॉर्क में कौन कौन से कार्यालय स्थित हैं। तो न्यूयॉर्क में डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के जो कार्यालय हैं उन पर एक नज़र ज़रूर दौड़ाइएगा। कौन सा देश हजारों झीलों की भूमि कहलाता है? फिनलैंड एकमात्र ऐसा देश है जो कि हजारों झीलों की भूमि कहलाता है। भूकंप की तीव्रता किस पैमाने से नापी जाती है? सीस्मोग्राफ पैमाने से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। अगला क्वेश्चन है रिएक्टर स्केल क्या नापता है? तो भूकंप और सुनामी की तीव्रता रिएक्टर स्केल द्वारा मापी जाती है। आपेक्षिक आर्द्रता किससे मापी जाती है? हाइग्रोमीटर से, जो आर्द्रता है या ह्यूमिडिटी है वह मापी जाती है। सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? वैसे अफ्रीका में मिलते हैं अगर भूमि पर कहा जाए, लेकिन अगर आप जल में या पानी में कहा जाए तो वो प्रशांत महासागर में सबसे अधिक ज्वालामुखी मिलते हैं। टाइफून चक्रवात किस देश को प्रभावित करता है? तो चीन सागर, चीन और फिलीपींस की सीमा को टाइफून अक्सर आते हुए देखा है, तो इन देशों को ये प्रभावित करता है। पंपास, पेरी, वेल, डाउन्स किन देशों की घासें हैं? तो अर्जेंटीना, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया की ये प्रमुख घासें हैं, तो इन्हें एक बार ध्यान से देखिएगा। पंपास, पेरी, वेल, डाउन्स किन देशों की घासें हैं? तो अर्जेंटीना, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख घासें हैं। कोयला का उत्पादन विश्व में सर्वाधिक कहाँ होता है? तो जर्मनी में कोयला, जर्मनी देश में सबसे अधिक कोयला का उत्पादन होता है, जबकि अगर भारत में पूछा जाए तो झारखंड उसका प्रमुख स्थान है। डेट्रॉइट क्यों प्रसिद्ध है? ऑटोमोबाइल्स उद्योग के लिए डेट्रॉइट प्रसिद्ध है, जो कि अमेरिका में है। कॉफ़ी का उत्पादक सबसे अधिक उत्पादक देश कौन सा है? तो ब्राज़ील कॉफ़ी का उत्पादक सबसे अधिक उत्पादक देश है। अगर भारत में पूछा जाए तो आपको कर्नाटक विकल्प लगाना है।
यूरेनियम, जस्ता, चांदी, ऊन, चाय, सोना कहाँ पर सर्वाधिक मिलते हैं? यूरेनियम कनाडा में, जस्ता थाईलैंड में, चांदी मैक्सिको में, ऊन ऑस्ट्रेलिया में, चाय पहले भारत में होता था अब चीन में होता है, सोना दक्षिण अफ्रीका में होता है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा मतलब उत्तर अफ्रीका में सहारा मरुस्थल या सहारा रेगिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। कालाहारी रेगिस्तान कहाँ पर है? दक्षिण अफ्रीका के दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में कालाहारी रेगिस्तान स्थित है। अटकामा मरुस्थल किस देश में है? तो चिली, दक्षिण अमेरिका का एक प्रमुख देश जहाँ पर अटकामा मरुस्थल स्थित है। तो फ्रेंड्स, ये हमारी वर्ल्ड हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इन्हें आप ध्यान से एक दो बार या चार बार देखिएगा एग्जाम से पहले, तो इसमें से कुछ ना कुछ आपके क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। तो हमारी ये सीरीज आगे भी जारी रहेगी। थैंक यू वेरी मच। आप हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि अधिक से अधिक छात्रों को इसका फायदा पहुंच सके। थैंक यू।